हरियाणा का सिंगापुर और हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन। राम राम जी, स्वागत है आपका मोरनी हिल्स में। राजस्थान ऑन बजट सीरीज को मेरे इतने प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आ गया हूँ अपनी नेक्स्ट सीरीज कवर करने के लिए, चलते हैं आपको मोरनी हिल्स लेके। पर वहाँ जाने से पहले शुरुआत करते हैं अपने दिन की ब्रेकफास्ट करके। ब्रेकफास्ट करने में एक ढाबे पे रुका हूँ, आप देखिए जरा। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चलते हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन पे। तो जी, ब्रेकफास्ट हो गया अपना। आंटी जी ने हमें बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट कराया, आप यहाँ रुक सकते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम अपनी डेस्टिनेशन पे चलेंगे सीधा। चलिए, आपको वहीं मिलते हैं। तो हम ऑलमोस्ट मोरनी हिल पहुँचने वाले हैं और ये मेरा एक फैमिली टूर है, तो मैं आपको बताऊंगा एक फैमिली का क्या बजट रहेगा इस टूर में। और चश्मा लगाना भूल गया, एक सेकेंड। बिना चश्मे के ना फील से नहीं आती। रास्ता बहुत बढ़िया है यहाँ का, आपको ऑन द वे बहुत ही मजा आएगा। यहाँ पे बीच में थोड़ा सा खराब पोर्शन मिलेगा, बट जब आप मोरनी हिल पहुंचने वाले होंगे आपको बहुत ही मजा आएगा। बहुत ग्रीनरी है यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा पहाड़ों का व्यू स्टार्ट हो चुका है, तो आप भी थोड़ा पहाड़ों के व्यू का मजा लीजिए। कुछ ऐसे व्यूज मिलेंगे आपको मोरनी हिल्स के रास्ते में, यहाँ पे आके आप इन व्यूज का एंजॉय कर सकते हैं। तो चेक इन हो गया हमारा, फटाफट से फ्रेश होके चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं मोरनी हिल्स में क्या क्या जगह घूम सकते हैं। चलिए चलते हैं। तो आप जो मेरे पीछे अभी देख रहे हैं, ये मोरनी फोर्ट है। इसकी एंट्री फीस कुछ भी नहीं है। और आइए देखते हैं अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। चलिए, स्टार्टिंग में आपको यहाँ मंदिर देखने को मिलेगा, ये देखिए। और चलिए अंदर देखते हैं अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। यहाँ की एंट्रेंस है, देखते हैं अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। तो जी, दूध दही का खाना, देसा में देस हरियाणा। यहाँ पर आपको हरियाणा के पास की कुछ जलकी देखने को भी मिलेगी, देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि जो वाइल्ड लाइफ खत्म होती जा रही है, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज खत्म होते जा रहे हैं, उनको बचाना कैसे है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। दो हजार 2017 में इस
किले को म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया। आप यहाँ आके देखिए, घूमिए, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ कवर कीजिए। तो जी तो आपको ये सब देखने को मिलेगा मोरनी के किले में। यहाँ पर आप 30-40 मिनट स्पेंड कर सकते हैं। 30-40 मिनट स्पेंड कर सकते हैं। और चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो अब मैं आ गया हूँ टिकरताल लेक, और लेक पर मैं सबसे पहले रेस्टोरेंट में जाके, लंच का टाइम हो रहा है, पहले कुछ पेट पूजा की जाए। मेरे पीछे ही आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं हम अंदर हमें क्या खाने को मिलता है। तो लंच अब हो चुका है हमारा, आपको यहाँ का रिव्यू दे देता हूँ मैं। मैंने लंच किया है टिकरताल लेक पर ही, हरियाणा टूरिज्म का रेस्टोरेंट है जिसकी सर्विस बहुत ही ख़राब है। 2:30 बजे हम आए यहाँ पे और 3:30 बजे तक हमसे किसी ने ऑर्डर भी नहीं लिया। ऑर्डर होने के आधे घंटे बाद हमें खाना मिला है। बिल्कुल टेस्टलेस खाना था। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप रास्ते में ही किसी ढाबे या रेस्टोरेंट में खा कर आए यहाँ खाना। और यहाँ लेक पे पार्किंग फीस आपको 50 रुपीज़ एक कार की देनी पड़ेगी। और यहाँ पे बोटिंग का भी ऑप्शन है, चलिए देखते हैं कि बोटिंग कैसी है। तो मैंने यहाँ बोटिंग के लिए बोट ले ली है। ये 4-सीटर बोट हमें पड़ी है 600 रुपये की। 600 में से 200 रुपये रिफंडेबल हैं जब हम वापस इस बोट को दे देंगे। 400 रुपये में ये 4-सीटर बोट आप 30 मिनट के लिए रख सकते हैं अपने पास। और व्यू बहुत ही अमेजिंग है यहाँ का। झील का साइज बहुत ही बड़ा है यहाँ पे, आप काफ़ी देर चला सकते हैं, बोर भी नहीं होंगे आप, और मज़ा भी बहुत आएगा आपको, और टांगों की वाट भी लग जाएगी आपके। जैकेट हमेशा ना ये डार्क रेड कलर की ही लेना, फोटोज अच्छी आएंगी। तो जी टिकरताल लेक से हम अपने होटल में अब वापस आ गए हैं और ब्लॉग को एंड करते हैं चाय की चुस्की लेते हुए। और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है ब्लू ओशन वीज़ा प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि आपकी हेल्प करते हैं स्टूडेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, टूर पैकेजेस और फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में। डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप इनसे किसी भी वीज़ा के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवल स्टोरीज़ को। तो जल्दी मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मोरनी हिल्स में आप डे 2 में क्या कर सकते हैं। टिल देन आप भी अपना ख्याल रखिए, मैं भी अपना ख्याल रखता हूँ। बाय बाय।